नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आप सभी का आरसीएन टुडे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे। हर एक जानकारी सबसे पहले पाने के लिए इस चैनल से जुड़ना मत भूलें। पहली खबर के बारे में बात कर लेते हैं। पहली खबर यूपी प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर है। यूपी प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री जी का कहना है कि शिक्षक और छात्र अनुपात सही है। अभी सरकार की कोई प्लानिंग नहीं है, सरकार कि कोई प्लानिंग नहीं है। आखिरकार सरकार की प्लानिंग कितने वर्ष बाद होगी? क्या 14 वर्ष बाद होगी? दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं, इसी से डीएलएड प्रशिक्षु काफी नाराज है। डीएलएड प्रशिक्षुओं का कहना है जब तक आप प्राथमिक शिक्षक भर्ती की घोषणा नहीं कर देंगे तब तक धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, वर्तमान सरकार भर्तियों पर फोकस ना करते हुए इधर उधर की बातों पर फोकस कर रही है, ऐसा प्रतियोगी छात्रों का कहना है। पुराने डाटा दिखाए जा रहे हैं, बताया जा रहा है, डाटा मांगा जा रहा है, नौटंकी पे नौटंकी किए जा रहे हैं, ऐसा प्रतियोगी छात्रों का कहना है। लेकिन प्रतियोगी छात्र की बात सरकार नहीं सुन रही है। कई प्रतियोगी छात्रों ने तो कमेंट करके कह दिया कि सर वर्तमान सरकार बहुत तानाशाह सरकार है। अब इसे तानाशाही कहेंगे, क्या कहेंगे, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। बस इतना मैं कहूंगा कि वर्तमान सरकार को प्रतियोगी छात्रों की पीड़ा को समझना चाहिए और जितने भी रिक्त पद हों उनका डाटा मंगवा कर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी कर देना चाहिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, आज के समाचार पत्र में बताया गया है, जैसा कि आज का समाचार पत्र है, प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए अनिवार्य डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड प्रशिक्षण प्राप्त कर छात्र छात्राएं 5 वर्ष से भर्ती विज्ञापन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रयागराज में धरना स्थल पर 4 दिन से धरना दे रहे प्रशिक्षितों ने गुरुवार शाम को सुबह चौराहा तक कैंडल मार्च निकाला। कैंडल मार्च निकालने का कारण क्या है? डीएलएड प्रशिक्षित मोर्चा के अध्यक्ष रजत सिंह ने बताया कि मीडिया में बेसिक शिक्षा मंत्री ने प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं करने का बयान दिया है, इसके विरोध में प्रशिक्षित अभ्यर्थियों ने कैंडल मार्च निकाला। मोर्चा अध्यक्ष ने कहा कि जब प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं करनी है तो डीएलएड प्रशिक्षण कोर्स क्यों चलाया जा रहा है, इसे बंद कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस प्रशिक्षण के बाद छात्राएं सिर्फ प्राथमिक शिक्षक भर्ती में ही आवेदन कर सकते हैं और जब यह भर्ती ही नहीं आएगी तो इस पाठ्यक्रम से क्या मतलब, इस पाठ्यक्रम का संचालन क्यों किया जा रहा है, इस पाठ्यक्रम संचालन का क्या औचित्य है, इस बारे में प्रतियोगी छात्रों का कहना है। अब विज्ञापन आएगा या नहीं यह सबसे अहम है। तो विज्ञापन लाने के लिए संख्या बल अधिक होना जरूरी है। संख्या बल अधिक नहीं होगा तो विज्ञापन नहीं आएगा, यह भी अटल सत्य है। अब मैं बात करूंगा यूपीएसआई और पुलिस भर्ती को लेकर। कई प्रतियोगी छात्रों ने मेरे पास मैसेज किया है। प्रतियोगी छात्रों का कहना है कि यूपीएसआई वैकेंसी और पुलिस वैकेंसी एक साथ आएगी या अलग अलग आएगी, तो मैं आपको बताना चाहता हूं अलग अलग आएगी। इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले बताया गया था कि नवंबर के पहले उम्मीद मत करिए, क्योंकि अंदर खाने से जो खबर मिली है। दोस्तों अभी हाल ही में आप लोगों ने सुना होगा कि ओटीआर जब नवंबर में बताया गया तो कहते हैं यार तुम तो हमेशा डेट बढ़ाते रहते हो। भैया डेट मैं बढ़ाऊंगा तब जब वहां से डेट बढ़ेगा। तो दोस्तों नवंबर के पहले कोई उम्मीद नहीं है। ओटीआर प्रक्रिया, इस भर्ती को फंसाने की प्रक्रिया प्रतियोगी छात्र मान रहे हैं। ओटीआर करके चुनाव में इस भर्ती को फंसा दिया जाएगा, यह भी प्रतियोगी छात्रों का कहना है। तो पहली खबर है कि दरोगा भर्ती और पुलिस भर्ती एक साथ नहीं आएगी, अलग अलग आएगी। और परीक्षाएं करवा ले किसी हाल में, उम्मीद कम है, परीक्षाएं अगर हो जाती हैं तो यह भर्ती तब भी फंस जाएगी और 2025 में पूर्ण रूप में कंप्लीट होने की संभावना दिख रही है। अगर इसी तरह से स्थिति रही तो 2025 के पहले कंप्लीट नहीं होगी। अब मैं बात करता हूं पुरानी पेंशन बहाल होगी या नहीं। दोस्तों पुरानी पेंशन बहाल वर्तमान सरकार करने के मूड में नहीं है। अगर उत्तर प्रदेश में उम्मीद लगाए बैठे हैं या जहां पर बीजेपी शासित है वहां पर पुरानी पेंशन बहाल करने की उम्मीद नहीं है, कोई भी उम्मीद नहीं लगा सकता, क्योंकि एनपीएस के पक्ष में है, नए पेंशन स्कीम के पक्ष में है, जिसका पैसा शेयर मार्केट में लगाया जाता है, जिसका पैसा शेयर मार्केट में लगाया जाता है, शेयर मार्केट के ऊपर निर्भर होता है कि भैया कब घटेगा, कब बढ़ेगा, उससे ज्यादा पेंशन मिलता है। अभी मैंने एक पोस्ट टेलीग्राम पर डाला था जिसको 1700 कुछ रुपए पेंशन मिल रहे थे एनपीएस के माध्यम से, जब ओपीएस लागू हुआ तो उसे 36000 कुछ रुपए पेंशन मिला, तो यह खुशी की बात है या नहीं है। तो क्या वर्तमान सरकार को पुरानी पेंशन बहाल नहीं करनी चाहिए? आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।
अखिलेश यादव ने कहा है जैसे मेरी सरकार बनेगी हम पुरानी पेंशन को बहाल कर देंगे। तो यह भी बहुत अच्छी खबर है उन कर्मचारियों के लिए जो ओपीएस की मांग कर रहे हैं, जो बुढ़ापे की लाठी चाहते हैं। बुढ़ापे की लाठी चाहिए तो ऐसी सरकार का चुनाव करना चाहिए जो आपके हक की बात करे, ऐसा कर्मचारियों का कहना है। इसलिए कर्मचारी कह रहे हैं जो ओपीएस बहाल करेगा उसी की 24 में सरकार बनेगी। तो आप इस पर कितनी अपनी राय रखकर कितने सहमत हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगली अपडेट है डीएलएड अभ्यर्थियों ने किया सरकार का विरोध, तो निकायों में भर्ती को लेकर आ गई एक बड़ी खबर। मैं आपको बताना चाहता हूं निकायों में भर्ती को लेकर जो अपडेट है, निकायों में भर्ती अब शासन की अनुमति से होगी। मैं आपको बता दूं उत्तर प्रदेश की कोई भी भर्ती ऐसी नहीं है जो बिना शासन की अनुमति की होती हो। तो निकाय में भर्ती अगर हो रही है तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, इतना बड़ा हेडिंग छाप दिया गया कि नगर निकायों में अब शासन की अनुमति से ही भर्ती होगी। प्रदेश सरकार ने नगर निकायों में संविदा या ठेके पर होने वाले कर्मचारियों की नियुक्ति में बदलाव कर दिया है। अब ठेके या संविदा पर कर्मचारियों को रखने से पहले नगर निकायों को प्रस्ताव शासन को भेजकर अनुमति लेनी होगी, इसके बाद ही निकायों में कर्मचारी रखे जा सकेंगे। तो यह भी बिग अपडेट है, मैं आपको बता रहा हूं। एक और महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं, जैसा कि मेरे द्वारा अभी पुरानी पेंशन को लेकर कहा गया सपा सरकार बनी तो पुरानी पेंशन बहाल होगी, अगर कह दिया गया तो बहाल होना निश्चित है, बहाल होगा। इसमें दो राय, कई राज्यों में बहाल हो चुका है इसलिए अब उम्मीद लगाया जा सकता है कि बहाल होगा। राजस्थान में बहाल हुआ, पंजाब में बहाल हुआ, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश इत्यादि राज्यों में आप देख रहे हैं बहाल हुआ, तो उत्तर प्रदेश में भी बहाल होगा। उत्तर प्रदेश में भी पुरानी पेंशन बहाल होगी और कर्मचारियों की बल्ले बल्ले होगी और बुढ़ापे की लाठी मिलेगी। तो आप बातों को सुन के मेरे कितने आनंदित हो रहे हैं, कितने खुश हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सभी लोगों तक जानकारी पहुंचाएं। इसी प्रकार की अथेंटिक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।